हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सेकेंड क्लास मैथ्स का जो सेकेंड चैप्टर है आपका काउंटिंग इन ग्रुप्स, इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, चैप्टर टू, काउंटिंग इन ग्रुप्स। लुक एंड गेस द नंबर, देखिए और नंबर को गेस आपको यहाँ पर करना है। पहले आपको ये पिक्चर दी हुई है, कैन यू गेस हाउ मेनी कप्स, क्या आप गेस कर सकते हैं इसमें कितने कप्स हैं। तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे, 3, 6 एंड 6 + 4 = 10। तो यानी कि इसमें कितने कप्स हैं, 10। कैन यू गेस हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज़, इसमें कितने पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। एक रो में आपने देख लिया 3 है, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, यानी कि यहाँ पर 9 पेयर ऑफ शूज़ हैं। ओके, सो 3 and 3 = 6 कप्स एंड 4 बिलो दैट adds up to 10 and there are 3 lines with 3 pair of shoes in each line, that makes 9 pair of shoes. इससे 9 pair of shoes बनते हैं। Look at how different things are kept in group. देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से groups में रखी जाती है। Try to guess the total number without counting each thing. Total number guess करने की कोशिश करिए यहाँ पर, बिना एक एक चीज़ को count किए। जैसे यहाँ पर आपको cups दिए हुए हैं, कुछ glasses दिए हुए हैं। So एक group में 3 cups हैं, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 3 आपके 12, तो यहाँ पर 12 कप्स है, दैट मीन्स 12 ग्लासेस हैं। 3 इन वन ग्रुप एंड क्योंकि 4 ग्रुप है, 3 × 4 यानी कि 3 × 4 = 12। नेक्स्ट में आपको कुछ पेयर ऑफ इयररिंग्स दिए हुए हैं, कितने पेयर्स हैं, 3 ग्रुप्स बना लीजिए, 6, 7, 8, 9, 11, 12, तो यहाँ पर 12 पेयर ऑफ इयररिंग्स हैं, 3 और 4 के ग्रुप्स हैं क्योंकि, सो 12। नेक्स्ट है आपके बैंगल्स, आपको काउंट करने हैं। एक ग्रुप में 1, 2, 3, 4, 5 बैंगल्स हैं, 5, 10, 15, 15 + 5 = 20, 20 + 5 = 25, यानी कि यहाँ पर आपके 25 बैंगल्स हो गए। ओके, देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून्स, ग्रुप्स जो हैं 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पर स्पून्स के, 1, 2 and 3, हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, आपको बताना है कि एक ग्रुप में कितनी स्पून्स हैं। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब एक ग्रुप में 8 स्पून्स हैं। गेस टोटल नंबर ऑफ स्पून्स, अब टोटल नंबर ऑफ स्पून्स बताइए, एक में 8 है तो 3 में कितनी होगी, 8 × 3 = 24, 8 × 3, एक में अगर 8 है तो 3 में आप 3 जा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मोर और लेस, राइट रिंग द करेक्ट आंसर, जो भी करेक्ट आंसर है उस पर रिंग आपको सर्कल करना है। नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ, आपके माउथ में कितने टीथ हैं, मोर देन 40 या फिर लेस देन 40, 40 से मोर यानी कि ज़्यादा है या फिर 40 से लेस कम है, तो आप अपने माउथ में टीथ को काउंट करेंगे तो डेफिनेटली वो लेस देन 40 ही होंगे, 40 तो नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे, यानी कि आपका ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है, इसको आप सर्कल कर देंगे। नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज, एक ऑरेंज में कितने सीड्स हैं, कितने बीज हैं, मोर देन 50 या लेस देन 50, सीड्स अराउंड 6 to 7 होते हैं एक ऑरेंज में, तो यानी कि ये लेस देन 50 ही होंगे, सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स में कितनी माचिस की तीलियाँ मैच स्टिक्स होती है, मोर देन 30 या फिर लेस देन 30, तो ये होंगे 30 से ज़्यादा, मोर देन 30। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितनी पेंसिल्स हैं, मोर देन 45 या फिर लेस देन 45, आपकी क्लास में सपोज करिए 30 स्टूडेंट्स हैं और एक बच्चे के पास जनरली 2 पेंसिल तो होती ही है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है आपके पास हो, कलर पेंसिल्स भी हो सकती है हो, तो मोर देन 45 आई थिंक, अगर सभी क्लास की पेंसिल आप कलेक्ट कर ले, इकट्ठी कर ले, तो 45 से ज़्यादा बन जाएगी। नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील, एक साइकिल व्हील में कितने स्पोक्स होते हैं, ये देखिए ये हैं स्पोक्स, ये आप अगर काउंट करेंगे इनको तो ये डेफिनेटली मोर देन 20 होंगे, 20 से तो ज़्यादा ही होंगे, यानी कि आप यहाँ पर क्लिक यहाँ पर सर्कल कर देंगे, इसको रिंग कर देंगे। ओके, नेक्स्ट इज हॉप टिल यू ड्रॉप, तब तक हॉप करते रहिए, कूदते रहिए जब तक कि आप ड्रॉप ना कर दें। हाउ मेनी टाइम कैन यू हॉप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग, बताइए कि आप अपने सीधे पैर पर राइट फुट पर हॉप करना है आपको, कूदना है, एक पैर ऊपर कर लीजिए इस तरीके से और इस पर कूदिए, कितने नंबर्स कब तक आप हॉप कर सकते हैं वो आप जितनी बार करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन हॉप ऑन योर लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग, बिना गिरे आप अपने लेफ्ट फुट पर कब तक हॉप कर सकते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। ओके, ज्वाइन द डॉट्स, यहाँ पे आपको डॉट्स ज्वाइन करने हैं, जो जो डॉगी इज हंग्री, ये जो जो डॉगी है ये भूखा है, हंग्री है, ज्वाइन द डॉट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म 21 to 52, 21 to 52 के डॉट्स को ज्वाइन करिए और बताइए कि इसके खाने के लिए क्या चीज़ है,
कहाँ से कहाँ तक करना है, 21 to 52। ओके 21 ढूंढते हैं पहले, ये देखिए ये है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, देन 40, देन 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ओके। और जब आपने इनको ज्वाइन किया तो हमें क्या मिली, देयर इज़ अ बोन, एक हड्डी मिल गई ना यहाँ पे, ये देखिए ये इसके खाने के लिए रखी हुई है आपने, इट इज़ अ बोन। ओके नेक्स्ट है आपका नॉटी बुरू, नॉटी बुरू की कहानी पढ़ेंगे आप। बुरू हैज़ टॉर्न सम पेजेस ऑफ दिस बुक, बुरू ने इस पेज, इस बुक के कुछ पेजेस जो है वो टॉर्न कर दिए हैं, फाड़ दिए हैं। राइट द पेज नंबर इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में आपको पेज नंबर लिखना है। ये 48 पेज नंबर है, तो इससे जस्ट पहले कौन सा पेज नंबर होगा, 48 से पहले क्या आता है, 47, तो ये 47 होगा। 48 देन 49, उसके बाद आता है 50, 51, 52 एंड 53। ओके इस तरीके से आप पेज नंबर यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट इज पजलिंग टेल, चिपकू रैट हैज़ अ लॉन्ग टेल, चिपकू रैट एक चूहे का नाम है, उसकी बहुत लंबी पूँछ है। When he was sleeping, जब वो सो रहा था तो naughty cat thought of trying his tail to the pole. Naughty एक बहुत शरारती बिल्ली थी, उसने क्या किया, उसने सोचा कि इसकी पूँछ को मैं क्या करती हूँ, इस पोल से बांध देती हूँ। She started from the pole with the biggest number. उसने पोल से शुरू किया, सबसे बड़े नंबर से शुरू किया। She moved on the smaller number in order. फिर छोटे छोटे नंबर पर वो चलती गई, सबसे पहले बड़ा, छोटा छोटा, इस तरीके से। हेल्प हर इन टाइम बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इट सेल्फ एनी वेयर, उसकी हेल्प करिए इसको बांधने में, लेकिन टेल अपने आप को कहीं क्रॉस नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़े नंबर से शुरू करना है आपको। देखिए इस तरीके से करना है, आपको दिखाया भी हुआ है, पहले इसकी टेल को 37 से टाई किया, फिर ला के यहाँ पर 36 से किया, ऐसे 36 के बाद उससे छोटा नंबर कौन सा होगा, 35, तो यहाँ पर आप 35 पर ले आइए 36 से, ऐसे क्रॉस नहीं करनी है कहीं से भी, 35, 35 के बाद 34, 34 से टाई कर दीजिए, 34 के बाद 33, देन 32, 32 के बाद 31, उसके बाद 30 यहाँ पर टाई करेंगे, 29, 28, 27, ओके। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर देंगे, कहीं पे भी जो टेल है वो अपने आप को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ऐसे काट के नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट द बिग कैरेट, एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड, एक ओल्ड मैन ने एक कैरेट का बीज बोया, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अभी उगा रहे हैं, एक सेकेंड, ओके। द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट, कैरेट जो है वो बड़ी थी और काफ़ी मीठी भी हुई, इट ग्रू वेरी वेरी बिग, और ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो गई। ही ट्राई टू पुल आउट द कैरेट बट इट डिड नॉट कम आउट, उसने कोशिश की कैरेट को पुल करने की, बाहर निकालने की, लेकिन वो नहीं कर पाया। ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ, तो उसने अपनी वाइफ को बुलाया। द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरेट लीव्स एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड हिम, उसने कैरेट की लीव को पुल किया और ओल्ड वुमेन जो थी, उनकी वाइफ जो थी, वो उसको पुल कर रही थी, बट दे कुड नॉट पुल इट आउट, लेकिन अभी भी वो उसको पुल नहीं कर पाए। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर, ओल्ड वुमेन ने अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाया। द ओल्ड मैन द ओल्ड वुमेन एंड ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल द कैरेट, तीनों ने अब ट्राई किया लेकिन अभी भी वो कैरेट को पुल नहीं कर पाए। ये देखिए बहुत बड़ी कैरेट थी। द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग, उन्होंने डॉग को बुलाया। द ओल्ड मैन वाइफ एंड ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट, चारों मिलके भी अब वो कैरेट को पुल नहीं कर पाए। देन द डॉग कॉल्ड अ कैट, डॉग ने फिर कैट को बुलाया। एवरीवन पुल्ड एंड द कैट हेल्ड ऑन द डॉग्स टेल, सब पुल कर रहे थे और कैट ने जो है डॉग की वो टेल पकड़ी हुई थी, ये देखिए यहाँ पर है ना, पूंछ को पकड़ा हुआ था। द कैरेट डिड नॉट मूव, लेकिन कैरेट हिली भी नहीं। द कैट कॉल्ड द माउस, कैट ने माउस को बुलाया। दे ऑल पुल हार्डर टुगेदर, सब ने बहुत जोर से खींचा उसको, ये देखिए सब लगे हुए, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, ग्रैंड डॉटर, उनका जो डॉग था, कैट एंड माउस, एंड द कैरेट केम आउट, और कैरेट बाहर आ जाती है। ज़बूम, दे ऑल फेल डाउन, क्योंकि वो बहुत जोर से खींच रहे थे तो सबके सब नीचे गिर जाते हैं। दे वर सो एक्साइटेड, वो बड़े खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड थे। सो दे ऑल वेंट टू द किचन,
सब किचन में जाते हैं टू मेक गाजर का हलवा, गाजर का हलवा बनाने के लिए एट इट अप, और उसको सब मिलके खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो माउस है वो कह रहा है आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ क्योंकि मेरे आने से ही कैरेट जो है वो पुल हुई है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट, अब पिक्चर को देखिए और लिखिए हाउ मैनी आर पुलिंग द कैरेट आउट, कितने हैं जो यहाँ पर कैरेट को पुल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सिक्स। हु वॉज द फर्स्ट टू पुल इट, कौन था जो सबसे पहले पुल कर रहा था इसको, तो ये था ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। द कैट इज डैश इन द लाइन, कैट लाइन में कौन से नंबर पे थी, 1 2 3 4 5, द कैट इज फिफ्थ इन द लाइन, कैट जो थी वो फिफ्थ थी अपनी लाइन में। हु वॉज द फोर्थ टू पुल द कैरेट, कैरेट को पुल करने में फोर्थ कौन था, 1 2 3 4, फोर्थ था डॉग। हाउ मैनी वर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट केम टू हेल्प देम, कैट आई उससे पहले कितने लोग पुल कर रहे थे उसको, 4। मेक अ कैप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन, थर्ड वन जो थर्ड है लाइन में उसके सर पे आपको एक कैप बनानी है, तो इस तरीके से आप इनके सर पे एक कैप बना देंगे ये, क्योंकि थर्ड गर्ल है। ओके, नेक्स्ट इज मेक अ मुस्टैच टू द सिक्स्थ इन द लाइन, जो सिक्स्थ है लाइन पे उसके मुस्टैच बनाइए, सिक्स्थ कौन है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स तो माउस है, माउस की मुस्टैच बनानी है आपको, तो ये आप इसकी मुस्टैच बना देंगे ऐसे मूछें इसकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सेंचुरी, सीमा हैड मेड अ डिज़ाइन विद डिफरेंट बिंदी, सीमा ने अलग अलग बिंदी से एक डिज़ाइन बनाया है, आपको अगर दिख रहा है यहाँ पर। लुक एट द ग्रुप एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज, ग्रुप को देखिए और बताइए कि टोटल कितनी बिंदीज होंगी, देख लेते हैं ग्रुप में उसने कितनी बिंदी यूज़ की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ग्रुप में 10 बिंदीज हैं और कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप्स हैं, तो एक ग्रुप में 10 बिंदीज और 8 ग्रुप्स मतलब टोटल कितनी बिंदीज, 80, 10 2 23 है तो 34 है तो 40, क्योंकि 8 है तो 80। ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कम्प्लीट 100 बिंदीज, अब आपको 100 बिंदीज कम्प्लीट करनी है और ड्रॉ करने हैं, तो बताइए आप कितनी बिंदी और ड्रॉ करेंगे, 80 पहले ही थी, अगर आप 20 और कर देंगे, दो ग्रुप्स और कर देंगे तो 10 ग्रुप्स हो जाएंगे और टोटल 80 बिंदीज हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको दो ग्रुप्स और ड्रॉ करने हैं बिंदी के, कोई भी आप डिज़ाइन चूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्योंकि यही वो डिज़ाइन जो है स्टार्टिंग से चला रही थी। नेक्स्ट एक और करना है अभी, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो इस तरीके से करके आप ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसकी वर्कशीट और क्विज बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।